नमस्कार, आई एम डॉक्टर जय मदान। और एक और बात करते हैं जिसको लोग सुपरस्टिशन बोलते हैं कि सोलर एक्लिप्स है, ये नहीं खाना, या एक्लिप्स है, ये नहीं खाना, बाहर नहीं जाना, पानी नहीं पीना, मतलब पीपल जस्ट थिंक इट्स टू मच। सबसे पहले जिसको आप सोलर एक्लिप्स बोल रहे हैं, व्हाट डू यू मीन बाय वर्ड सोल और सोलर और सन, ये सब कहाँ से आए? दिस ऑल केम फ्रॉम लैटिन रूट ऑफ अ वर्ड कॉल्ड सोल, SOL, जिससे आगे जाकर सन आया, फिर सोलर आया और सोल आई, SOUL। इट ऑल कम्स फ्रॉम द सेम रूट, यानी कि सूर्य जैसे पूरे ब्रह्मांड को चलाता है, इसी तरीके से हमारी आत्मा हमारे शरीर, दिमाग, इमोशन सबको चलाती है। सो सन एंड आर सोल आर कनेक्टेड। नेक्स्ट, कमिंग टू द सेकेंड पॉइंट, कि सोलर एक्लिप्स के दौरान अगर आप नेकेड आई से सन को देखते हैं, तो जब मून हट जाता है और सन वापस ब्राइट होकर निकलता है, उस टाइम पर आपकी आई के रेटिना को वो बहुत मेजरली हार्म कर सकता है, जिससे आगे जाकर ब्लाइंडनेस भी कॉज हो सकती है। सो दैट इज़ वाई सूरज ग्रहण के दौरान पहले के समय में कहते थे कि बाहर नहीं जाना, क्योंकि उनके पास क्या थे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, घोड़ा था, बैलगाड़ी थी या पैदल थे। तो जब ये मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट होते थे तो उनके पास कोई ऐसे इक्विपमेंट्स भी नहीं थे जिससे वो अपने आप को ढक सकें और ग्लासेस पहन सकें ड्यूरिंग सोलर इक्लिप्स, तो वो अवॉइड करते थे उस टाइम पे बाहर जाना। तब से ये चीज़ आई कि सूर्य ग्रहण के दौरान बाहर नहीं जाना, आपको नुकसान हो सकता है, विच इज़ नाउ साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट। द अदर थिंग इज कि इस टाइम पर क्योंकि अल्ट्रा वॉयलेट रेज इतनी ज़्यादा स्ट्रांग होती है कि अगर आप खाना पकाते हैं, पहले के समय में लोग रोशनी में खाना पकाया करते थे, साउथ ईस्ट में किचन हुआ करती थी, क्योंकि उस टाइम पे सूरज 10 से 12 बजे के बीच होता है, तो जब आप इस टाइम पे खाना पकाते थे तो बहुत सारे जर्म्स आसपास यूं ही मर जाते थे सूरज की तेज़ रोशनी से, तो लोग खुले में रोशनी में खाना पकाया करते थे। अब छोटे छोटे अपार्टमेंट्स हैं, उतनी लाइट भी नहीं आती है, उतनी पॉसिबिलिटी भी नहीं है सनलाइट घर में आने की लोगों के, तो ऐसे में ये धीरे धीरे कंसेप्ट स्लो हो गए। लेकिन सूर्य ग्रहण के दौरान अगर आप खाना पकाते हैं और सूरज की रोशनी आती है, दैट इज़ नॉट गुड फॉर योर फूड, ये खाने की पोटेंसी कम कर देती है। ऐसा नहीं है कि आप रात को खाना खाएंगे और सुबह उल्टियाँ करना शुरू कर देंगे, बट अवॉइड किया जाता है। अगर खाना बना हो उससे पहले तो उसको ढक के रखा जाता है, कहा जाता है उस पर तुलसी का पत्ता रख दो। दीज आर ऑल वेज टू मेक यू अंडरस्टैंड कि आप ढक्कन खोलो मत, इस टाइम पर खाओ मत, अपनी बॉडी को मैक्सिमम इस एनर्जी से बचाना है, अपनी सोल को प्रोटेक्ट करने के लिए पूजा पाठ चैंटिंग करनी है, एक कोने में शांति से बैठना है, सोना नहीं है, अपनी सोल जो ऑलरेडी सूरज डार्कनेस में है, अपनी आत्मा को भी सोने मत दीजिए, रिमेन अवेक, डू सम चैंटिंग, डोनेशन कीजिए ताकि आपकी एनर्जी आपको रीगेन हो सके। सो दीज आर ऑल वर क्रिएटेड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम टू मेक अस अंडरस्टैंड कि हम पूरे ब्रह्मांड में, आप अपने आप को जितना मर्जी समझदार समझे, आप समझे, मैं समझूँ, हूएवर इट इज, पूरे यूनिवर्स में हमारी जैसी कितनी गैलेक्सीज हैं, इन पूरे सिस्टम में हमारी वैल्यू एक मिट्टी के दाने से भी कम है। हमारे सोचने, चाहने, समझने ना चाहने से कुछ नहीं होता, दिस इज़ अ कंप्लीट ब्यूटिफुल ऑटो मैकेनिज्म गोइंग। इसी समय सूरज निकलेगा, इसी मैग्नीट्यूड के साथ सारी चीज़ें होंगी, हमारा इसमें कोई रोल नहीं है, वी आर जस्ट हेयर टू ऑब्जर्व एंड विटनेस इट। आप समझें या ना समझें, इट इज़ गोइंग टू इम्पैक्ट योर बॉडी, एंड इफ़ यू कैन टेक प्रिकॉशंस, अपनी समझदारी को साइड रखकर, अगर हम एक्सपेरिमेंट कर एक बार कर भी देख लें, तो इसमें बुराई भी क्या है, इसमें हर जाना भी क्या है। सो ऑल आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज दैट इस टाइम पर अपने सोल की पावर को बढ़ाने की ज़रूरत है। खाना पीना खाने से जो सूरज की लाइट आपकी बॉडी और आपके मेटाबॉलिक रेट को ऑपरेट करती है, उसकी उससे वो सारी नेगेटिव एनर्जीज, वो सारे जो रसायन आपकी बॉडी में आते हैं, वो डिफरेंट इस टाइम काम करते हैं। सो इट इज़ नॉट वेरी एडवाइजेबल, ईट, ड्रिंक, स्लीप, गो आउट ड्यूरिंग दिस टाइम। सो अगर आपके लिए पॉसिबल ना हो कि भाई हमने जाना ही है, हमारे पास कोई चारा नहीं है, इट इज़ ओके, टेक प्रिकॉशंस, डोंट गो विथ नेकेड आईज आउटसाइड इन द सन, टेक केयर ऑफ योर आईज, योर हेल्थ, डोंट ईट आउटसाइड फूड, बाहर का मत खाइए, एक दिन कुछ घंटे अगर हम अपना ख्याल रख भी लें तो इसमें हर्ज भी क्या है। धर्म और संस्कृति से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें धर्म.tv और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल के आइकन पर क्लिक करें।